ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मोती मंदिर में आके कितनी शांति और संतोष मिलता है ना? यहाँ की पवित्रता कितनी शांति प्रदान करती है ना? हाँ, वो तो है, शक्ति का संचार होता है यहाँ आकर। पानी 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 पानी, कोई पानी पिला दो। पानी पानी होस्ता की माफ हो बेगम साहिबा, मगर इस तरह आपका गुलामों के पास जाना ठीक नहीं है। ठीक है, नहीं जाएंगे यदि आप इन्हें पानी पिला दे तो। हम ऐसा कर नहीं सकते, हमें इन गुलामों को ले जाकर कैद में डालकर बेच डालने का हुक्म है। ये क्या भेड़ बकरी या पशु है, मनुष्य है, इन्हें कैसे बेचा जा सकता है? शहंशाह की बेगम को रोकने का साहस है तुम्हें? खुदा आपको सलामत रखे। प्यासों को पानी पिलाया है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। ईश्वर तुम्हारा भला करे। 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाना भी तो खिला दो। सुनो, इन्हें जहाँ कहीं भी ले जा रहे हैं पहले इन्हें भोजन करवाइए, सब भूखे हैं, इसे आप हमारा आदेश समझिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। चलो जोधा, चलिए यहाँ से। यदि शहंशाह को पता चल गया कि आपने गुलामों से बात की है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ बेगम साहिबा, कोई तकलीफ है आपको? नहीं नहीं, सब ठीक है, आप पालकी उठवाइए। नाम क्या है तुम्हारा? बाबू। और तुम यहाँ पर कैसे आए? मुझे गुलाम बनाकर लेकर जा रहे थे, मैं भाग आया। और तुम्हारे माता पिता? माँ को भेज दिया इन लोगों ने सेठ को, और सेठ ने खरीद लिया, पर मुझे नहीं खरीदा उसने। अब कहिए मत किसी को, नहीं तो वो मुझे ले जाकर बेच देंगे। मुझे माँ के पास जाना है। परंतु जोधा, हम इसे यहाँ नहीं रख सकते, ये हरम के नियमों का उल्लंघन है। परंतु मनुष्यता के नियम का क्या मोती, ये अनाथ बेघर बच्चा जो अपनी माँ से बिछड़ गया है, इसे मकेला कैसे छोड़ सकते थे? जब तक हमें इसकी माँ का पता नहीं चल जाता या फिर इसके रहने की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती, हम इसे नहीं छोड़ सकते। तो फिर ठीक है, आप मलिका आजम या किसी प्रधानाधिकारी को सूचित कर दीजिए ताकि आपको आगे जाके समस्या ना आए। या अल्लाह, इतना प्यारा बच्चा यहाँ कैसे? जोधा बेगम का प्रताप है, मार्ग में दासों का समूह जा रहा था, इनसे देखा नहीं गया और ये इसे यहाँ ले आए। इस बच्चे को देखिए, कितना मासूम है, भूखा है, अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है, डरा हुआ है। ऐसे में हम इसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे भला? यही वजह है जोधा बेगम कि हम सब चाहते हैं कि हरम आप संभाले। आप में दिल है, आप जज्बात समझती हैं, उनकी कद्र करती हैं,
नहीं रुखसार बेगम, हम हरम के मामले में नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो हमारे वश की बात नहीं है। आप रुकैया बेगम के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती, यही ना? ऐसी बात नहीं है, परंतु केवल एक बात के लिए उनके वर्षों से किए हुए काम पर हम उंगली तो नहीं उठा सकते ना। बरसों का काम नहीं बेगम साहिबा, काश आप जान पाती कि बरसों से क्या हो रहा है हरम में। एक गुजारिश है आपसे, अगर अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम कुछ देर के लिए आपको अपने साथ ले जा सकते हैं? कुछ दिखाना है आपको। चलिए। कहाँ ले जा रही हैं आप हमें? हरम का वो पहलू दिखाने जो शायद आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। चलो यहाँ से, तुम बहुत काम पड़ा है अभी। और तुम भी सुना नहीं तुमने? आदाब बेगम साहिबा। देख रही हैं आप, यहाँ ऐसे और भी कई हुजरे हैं, इन्हें खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी इनकी जिंदगी इनकी नहीं। हर पल इन्हें एहसास दिलाया जाता है कि ये महज गुलाम है। तबीयत खराब हो तो भी काम करवाया जाता है, और जरा सी गलती हुई तो कोड़ों से मारा जाता है। रुकैया बेगम को इनकी स्थिति के बारे में पता नहीं है क्या? बेशक पता है, मगर इनकी परवाह किसे है? है तो ये महज गुलाम और बांधिया ना, कुछ जंग में जीत के नजराने में आती हैं और कुछ खरीद कर लाई जाती हैं। इनकी जिंदगी और मौत सिर्फ हरम की कैद में होती है। इनमें से न जाने कितनी ऐसी हैं जो अपने दूध पीते बच्चों को छोड़कर आई हैं और अब जिंदगी भर कभी उनकी शक्ल नहीं देख पाएंगी। इनके बच्चे माओ के होते हुए भी यतीम रह जाते हैं और फिर उन्हें भी गुलामों के बाजार में कहीं भेज दिया जाता है। समझ में नहीं आ रहा है हमें, इतने समय से हम हरम में रह रहे हैं और इन सब के विषय में हमें पता ही नहीं था। हम सबकी एक ख्वाहिश है जोधा बेगम, कि हरम का जिम्मा आप ले लें। देखिए, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु ये काम हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज अगर आपने ये जिम्मा लेने से इनकार कर दिया तो रुकैया बेगम और भी मगरूर हो जाएंगी और फिर कभी कोई शहंशाह से अपने हक की मांग नहीं कर पाएगा। जोधा बेगम, जिन्हें देखकर आज आपको रहम आ रहा है, उनके लिए कुछ कीजिए, वरना आज के बाद कभी इन पर रहम मत खाइएगा। इजाजत दीजिए। कैसी दुविधा है, समझ नहीं आता क्या करें। एक और वो लोग हैं जिन्हें हमसे आशाएं हैं, जिन्हें हम पर विश्वास है, दूसरी ओर हम ये भी नहीं चाहते कि रुकैया बेगम हमसे शत्रुता साधे। क्या करें हम? कुछ नहीं होगा जोधा बेगम, कुछ नहीं। हम मलिकाए बेगम हैं और ये हरम हमारा था, है और हमेशा हमारा ही रहेगा। मदद बेगम साहिबा, मदद। बहुत प्यास लगी है, पानी। हम अकेले हैं जोधा बेगम, हमें हमारी माँ चाहिए, हमें आपकी आवश्यकता है। केवल आप ही हमारी उम्मीद है जोधा बेगम, केवल आप। हे अम्बे माँ, क्या हो रहा है हमारे साथ? हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, इसी जगह आते हैं जब हमें किसी उलझन का जवाब चाहिए होता है। तो ये बहुत बहुत कठिन है हमारे लिए। हरगिज़ ही मुश्किल है जोधा बेगम,
मगर सच यही है कि इंसान जानता है कि सही फैसला क्या होता है, उसके बावजूद वो गलत फैसला चुनता है, क्योंकि वो आसान होता है, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। जोधा बेगम, बशाय किसी को बुराई क्यों ना लग जाए, हमारा फर्ज बनता है कि हम सही फैसला ही चुने। यही पैगाम जोधा बेगम ये इंसाफ का तराजू देता है। परंतु हम हरम के उत्तरदायित्व को संभालने के योग्य नहीं है, ना तो हम यहाँ के हैं और ना ही यहाँ की संस्कृति को समझते हैं हम। झूठ बोल रही हैं आप जोधा बेगम। जिस दिन से आपका हमसे निकाह हुआ है, उस दिन से आप आगरा की हो गई हैं। जोधा बेगम, आगरा उतना ही आपका है जितना हमारा है, रुकैया बेगम का है, अम्मी जान का है या किसी और का है। रही बात आपकी काबिलियत की जोधा बेगम, तो नहीं हमें आपकी काबिलियत पर कोई शक है, नहीं अम्मी जान को है और ना ही हरम में से किसी बेगम को है। आप वो हैं जिसने हमारी जिंदगी में हमें सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है, हमें आवाम से दुआ दिलवाई है, हमें दिलों पर राज करना सिखाया है। जोधा बेगम, आप वो हैं जिसने हमें मौत को मात दे दी है। हाँ, वो एक अलग बात है कि इंसान को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है जब तक उसके सामने कोई दिक्कत ना आ जाए, मगर जब दिक्कत आती है तभी वो अपनी ताकत दिखा पाता है। तो अब आपके सामने मौका है जोधा बेगम अपनी ताकत दिखाने का, क्योंकि आप में वो ताकत है, वो लियाकत है कि आप सही फैसला ले सकती हैं। परंतु ये इतना सरल नहीं है। हरगिज़ नहीं होगा जोधा बेगम। आवाम में से एक बनना बहुत आसान होता है, लेकिन बेगमात में से खास बनना बहुत मुश्किल होता है। जोधा बेगम, किसी की नेकेबानी में काम करना बहुत आसान होता है जोधा बेगम, लेकिन किसी का नेकेबान बनना बहुत मुश्किल होता है। कमजोर बनकर हार जाना बहुत आसान होता है, लेकिन ताकतवर बनकर किसी दिक्कत का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। जोधा बेगम, आप दो दो खानदानों की इज्जत तहजीब को साथ लेकर चल रही हैं और ये बहुत मुश्किल का काम है, और आप इस मुश्किल को दूर कर सकती हैं क्योंकि आप आम नहीं हैं। जोधा बेगम, आप इरादों में मजबूत हैं, फैसलों में सख्त हैं, जज्बात में नेक दिल हैं। हमने आपकी जितना बेखौफ और मजबूत औरत आज तक नहीं देखी है। आप आज से पहले भी इंसाफ के लिए लड़ती आई हैं और जीती भी हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि इस बार भी आप इस मामले में सही फैसला ही लेंगी। जवाब में मिली खामोशी लगता है किसी तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। बेगम चौदह की हालत देख रही हो रेशम, कितनी परेशान लग रही है वो बेचारी। ये तो होना ही था हुजूर, कलर शक से दुश्मनी कर बैठी, जो रुकैया बेगम का रास्ता काटे उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये यहाँ परेशान रहेंगी और वहाँ रुकैया बेगम चैन से सो रही होंगी। बेवकूफ हो तुम रेशम, शायद तुमने सुना नहीं कि जो सोता है वो सब कुछ खो देता है। बेगम रुकैया यहाँ अपना वक्त गवा रही है और वहाँ बेगम जोधा अपने अंदर की ताकत जुटा रही है। पता नहीं क्यों रेशम, हमें ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त बेगम रुकैया के लिए ठीक नहीं होगा। होशियार, आज हम बहुत गहरी नींद सोना चाहते हैं, हमें उठाने की कोशिश मत करना। कल सुबह हम खुद को गुलाब की तरह तरोताजा पाना चाहते हैं। बेशक मलिका, ये गुलाम आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। वैसे भी जब आप गुस्से में होती हैं तो सबसे ज्यादा खतरे में हम ही होते हैं। खैर, अब रोशनी बंद कर दो, हम सोना चाहते हैं ताकि कल सुबह उनके उतरे हुए चेहरे देख सके जिन्होंने हमारे खिलाफ जाने की हिमाकत की थी। जाविदा, इतनी रात को क्या कर रही हैं आप? हम ना कल की तैयारी कर रहे हैं अम्मी जान। जान सकते हैं क्या तैयारी हो रही है? कल के बाद रुकैया बेगम हरम से अपना अख्तियार खो देने वाली हैं, है ना? वाह वाह जाविदा, आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हाँ अम्मी जान,
हमने तो सारा अंदाजा लगा लिया है, देखिए कि कौन किसकी तरफ है। वाह जाविदा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि हम आपको कम आंका करते थे। आपकी शोहबत का ही असर है अम्मी जान। तो आप मानती है ना कि हम अकलमंद हैं? बेशक। तो कल जब शहंशाह हरम की नई मालकिन ओहदेदार के लिए सवाल करेंगे तो हम उनको अपना नाम देंगे। जरा सोचिए क्या जोड़ी होगी ना, सासुमा होगी वजीर आलिया और बहू होगी हरम की मालकिन ओहदेदार। पता है क्या जाविदा, हमने बस अभी अभी आपको अकलमंद मानना शुरू कर दिया था और आपने अकल का पिटारा खुला ही नहीं, उसे पहले ही बंद भी कर दिया। क्यों अम्मी जान, क्या कमी है हम में? हम क्यों नहीं संभाल सकते हरम? ये सोचने से पहले हमें ये सोचना होगा कि क्या खूबी है आप में। खुद को तो संभाला नहीं जाता, हरम संभालेंगी। मगर अम्मी जान। चुप, जबान खींच के रख लेंगे, मुंह मत खोलना ना यहाँ ना शहंशाह के सामने। बेवकूफ। तो भी हो, रहेंगी तो सास ही ना, अपनी बहू की तरक्की होते देख चलती हैं। देखिएगा बेगम रुकैया, हमें पूरा यकीन है कि आज आप ना ही हरम के मामले में मजबूत बनकर उभरेंगी बल्कि बेगम जोधा को भी शिकस्त दे देंगी। यहाँ पर कोई नहीं है जो आपके हक को ललकार सके। मुबारक हो। बेशक, किसी में इतनी ताब नहीं कि बेगम एक खास के सामने खड़ी हो सके। होशियार, शहंशाह हिंद, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हमने आप सबको आज तक की मियाद दी थी ये फैसला करने के लिए कि आप लोग तय कर सकें कि कौन होगा जो हरम की जिम्मेदारी लेगा। बेगम तैयार है तो बताइए, तो है जो हरम के जिम्मेदारी लेने को तैयार है? बताइए रुक्सा, आपके जहन में कोई है जो हरम का जिम्मा ले सकता है? हरम के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए हम प्रस्तुत हैं शहंशाह। आज तक अपने आप को समझाते रहे कि हरम को संभालना हमारा काम नहीं है, कि रुकैया बेगम हरम के उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, परंतु पिछले कुछ पहरों में हमने कुछ अलग ही रूप देखा। अब इसे ईश्वर की इच्छा कहें या समय का संकेत, हमें अनुभव हुआ कि हम भी तो इस हरम में रहते हैं, हम भी तो शहंशाह की बेगम हैं और घर की सफाई करना घर वालों का ही काम होता है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हरम के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए हम रुकैया बेगम को चुनौती देंगे।
ताकि यह हरम न केवल रुकैया बेगम का और ना ही केवल जोधा बेगम का हरम बनकर रह जाए, बल्कि यह हरम सबका हरम बने, जहां पर सबके ही मान सम्मान और भावनाओं की रक्षा हो। तो ठीक है, हरम में मौजूद हर शख्स को हम हरम की मालकिन चुनने का हक देंगे। ये फैसला इंतकाब से होगा और आज से चार दिन बाद तय होगा हरम का जिम्मा कौन संभालेगा। दरबार बर्खास्त। क्यों बेगम रुकैया, अब तो आप कुछ करेंगे ना? नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बेगम जोधा को कम आंकना गलत होगा। बेगम जोधा आवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है और अब हरम को अपने काबू में करना चाहती है। जोधा बैठो। अम्मी जान, हमारा मन बहुत घबरा रहा था, इसलिए हम आपके पास चले आए हैं। जोधा, हम जानते हो तुम क्या सोच रही हो। एक नई जिम्मेदारी लेने से पहले अक्सर इंसान अपने आप को कमजोर महसूस करता है। वो देखो, जन्नत मकानी बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद हम दर दर भटक रहे थे। तब उन्होंने हमसे कहा था किसी महफूज जगह पर टिक जाएं, पर हमने उनका साथ देना चुना। वो बेगमात तारीख बन जाती हैं जो ऐशो आराम में रहती हैं। वो बेगमात खुद तारीख बनाती हैं जो मुश्किल घड़ी का सामना करती हैं। और हमें पूरा यकीन है कि तुम तारीख बदल दोगी जोधा। और फिर तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी अम्मी जान तुम्हारे साथ है, हरम की बेगमात तुम्हारे साथ है, और अब जलाल भी तुम्हें समझने लगा है। हमें यकीन है कि तुम अपने हौसले और हमारे साथ से हर मुश्किल पर फतेह कर पाओगी। धन्यवाद अम्मी जान। हम जब भी किसी दुविधा में पड़ते थे तो अपनी मासा के पास जाते थे और उनके पास जाकर हमारे अंदर शक्ति और साहस का संचार हो जाता था। आज वही शक्ति वही साहस हमें आपके समीप महसूस हो रहा है अम्मी जान। हम आपको वचन देते हैं, चाहे जो रुकावटें आए, हम मुगल बेगम की मान और मर्यादा को सदा बढ़ाएंगे, आपकी आशा पर खरे उतरेंगे हम। अब चलते हैं, आज्ञा दीजिए। हम सिर्फ जलाल की फूफी जान नहीं है रुकैया, तुमसे भी हमारा रिश्ता है। इसलिए बिना किसी मुरव्वत के हम साफ तौर पर तुम्हें बता देना चाहते हैं कि हरम दो खेमों में बट चुका है और बहुत से लोग जोधा बेगम के साथ हैं। हम जानते हैं फूफी जान, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम बेगमें खास हैं। और आप देखिएगा, ये हरम अभी भी हमारे ही अख्तियार में रहेगा। अगर जोधा बेगम को मौका मिल भी गया ना, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगी। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हरम की जिम्मेदारी क्या होती है। इतनी सारी मुगल बेगमात और बांदियों को संभालना आसान नहीं है। लेकिन रुकैया, जब हरम के लोग जोधा बेगम के साथ होंगे तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब वक्त आ गया है कि आपको सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। जब तक जोधा बेगम ने इस जिम्मेदारी को लेने का मन नहीं बनाया था, तब तक बात कुछ और थी। लेकिन अब जब वो मन बना चुकी हैं, तो मामला कुछ और ही है। वो एक राजवंशी हैं, जो अपने जुनून के लिए जानी जाती हैं, और उस पर सियासत की भी अच्छी खासी समझ है उन्हें। कहीं ऐसा ना हो कि ये बाजी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। रुकैया,
हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सिर्फ हमारे साथ होने से तुम ये इंतखाब नहीं जीत सकती। इसलिए जो भी करो बहुत सोच समझ कर करो। तुम हरम की मालकिन और ओहदेदार होने के साथ साथ बेगम खास भी हो, इस बात का ध्यान रखना। मेरे पिताजी बहुत बड़े योद्धा थे। अच्छा, अब कहाँ है वो? माँ ने कहा वो युद्ध पर मारे गए। माँ मुझे मजदूरी करके पालती थी। आप मुझे मेरी माँ से मिलवाएंगी ना? जैसे हमें आपकी माँ के बारे में पता चलेगा ना, हम आपको उनके पास भिजवा देंगे। जोधा बेगम शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। मोती, जल्दी से बापू को भीतर लेकर जाओ। तो आखिरकार आपने साबित कर दिया जोधा बेगम। अब जो कहती हैं हमेशा उसका उल्टा ही करती हैं। हमसे कहा था कि आप हरम के मामले में रुकैया बेगम से मुकाबला नहीं करेंगे, लेकिन देखिए अब आप भी ताकत की दौड़ में शामिल हो गई हैं जोधा बेगम। शक्ति की हमें कोई लालसा नहीं है शहंशाह। हमने वही किया जो न्याय के तराजू ने हमसे करने को कहा, जो शहंशाह ने हमें समझाया। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को दांत है। आप हम पर ही इल्जाम लगा रही हैं क्या? लेकिन हम फिर भी आपको एक मशवरा देंगे, और हमारा मशवरा है कि आप इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि आपका मुकाबला एक आम इंसान के साथ नहीं बल्कि रुकैया बेगम के साथ है। और हम अपने तजुर्बे से कह रहे हैं जोधा बेगम, आपको उनकी सियासी समझ और उनके दिमाग से संभलने की जरूरत है। शहंशाह, कुछ बातें मस्तिष्क से नहीं हृदय से सोचनी पड़ती है। सुभान अल्लाह जोधा बेगम, यहाँ पर भी आपने दिल से फैसला लिया। और सब जानते हैं कि जब अपने दिल से आप कोई फैसला लेती है तो अक्सर उसमें जीत हासिल करती है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, गुस्ताखी मुआफ हो हुजूर, मगर अदगा साहब ने दरख्वास्त किया है कि आप शाही दरवाजे पर तशरीफ लाएं। ठीक है, जाओ, हम सियासत संभालते हैं और आप अरब को संभालिएगा। इजाजत चाहते हैं। और हाँ जोधा बेगम, अगर काम काज से फुर्सत मिले तो हमसे भी मिलते रहिएगा। और आंखें हिरनी के जैसी बड़ी बड़ी गहरी खातिर। और उनकी जुल्फें कैसी हैं? जुल्फों के बारे में क्या बताऊं, तबस्सुम घंघोर घटा जैसी, घने जंगल की जैसी, जिनमें बस खो जाओ, काली रात के जैसी लंबी, नागिन के जैसी बल खाती हुई। बाकी सब हो गया, बस होठ बनाने बाकी हैं। लबों का क्या बताऊं, तबस्सुम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी लरजती हुई। या खुदा, ये तो पूरा हो गया हो तो देखें क्या बनाया है आपने। माफ कीजिएगा, या तो आपके बयां करने में गलती हुई है या हमारे हाथों से। तुमने तो कहा था कि पूरी हो गई है, हम देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं आप? अरे बख्शी बनो आप, देखिए आप अभी यहाँ से जाइए, हम आपके लिए एक नजराना तैयार करवा रहे हैं। नजराना? क्या नजराना है?
बताइए ना, हम देखना चाहते हैं। खुदा के लिए हम इंतजार नहीं कर पाएंगे। ये तो जोधा भाभी जान की तस्वीर है, मगर आपने क्यों बनवाई? हमने तो आपकी तस्वीर बनवाई थी। हमने बहुत सुना था तबस्सुम के बारे में कि हुलिया बयान करने पर ये सही तस्वीर बनाती हैं। माफ कीजिएगा हुजूर, मगर हमने तो वही बनाया जो आपने बयां किया। ओह, तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम अपनी बीवी की तस्वीर बनवाते वक्त जोधा बेगम का हुलिया बयान कर रहे थे? नहीं, हम अपनी बीवी बख्शी बानो का हुलिया बयान कर रहे थे। हिरनी जैसी आंखें, काली घनेरी जुल्फें, सुराहीदार गर्दन, गुलाबी लब। आप ठीक कह रहे हैं हुजूर, शायद गलती हमसे हुई है। इतनी बार जोधा बेगम की तस्वीर बनाई है ना, शायद दिमाग में वही रह गई है। गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ। खैर तबस्सुम, अब तो तुमने हमें देख लिया ना, अगली बार हमें ख्याल में रख के तस्वीर बनाना। जी, अब इजाजत चाहूंगी। सारा मजा किरकिरा कर दिया। हम आपको नजराना देना चाहते थे और तबस्सुम ने। कोई बात नहीं, हम तो इसी से बहुत खुश हैं कि आपने हमारे लिए कोशिश तो की और उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं। कभी कभी कोई चेहरे दिमाग में छप जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे हाथ कभी गलत तस्वीर नहीं बना सकते। वो वही बनाते हैं जिनका बयान हमारे कान सुनते हैं। कब तक दिमाग में बसेंगी जोधा बेगम? जल्दी ही हमारी बाहों में आना होगा आपको, हमारे दिल के करीब। बेगम साहिबा, सलीमा बेगम, रुखसार बेगम, नजमा बेगम, शबाना बेगम, हरम की सारी बेगमां जोधा बेगम की ओर जा रही हैं। और बानिया, बानिया तो जैसे जोधा बेगम को अपना मसीहा समझने लगी हैं। ये सब देखकर तो हमें शक होता है बेगम साहिबा कि कहीं। कहना क्या चाहते हो? गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर जिस तेजी से हरम की औरतें जोधा बेगम की ओर जा रही हैं, उसे देखकर हमें खौफ होता है। हमें कोई खौफ नहीं है, ये हरम हमारे अख्तियार में था, है और हमेशा रहेगा। अब बोल, तुम्हें इस बात पे कोई शक? नहीं बेगम साहिबा, मगर वक्त आपके साथ नहीं है, बानी आपकी गुलाम है इसलिए। गुलामों को जुबान नहीं होती बज़ात। अपने हमें तमाचा मारा क्यों? हमसे जुबान लड़ाओगे तुम? हाँ बेगम, एक खास सवाल पूछोगे? मिल गया जवाब कि हमारी हैसियत क्या है और तुम्हारी औकात क्या है। हाँ, मिल गया जवाब, मिल गया जवाब। रुकैया बेगम, तो अब दफा हो जाओ यहाँ से, आज से, बल्कि अभी से हम तुम्हें अपनी तिमारदारी से हटाते हैं। और जाओ, जिन बेगमों की तुम बात कर रहे थे ना, जाके उन्हीं में से अपने आप के लिए कोई चुन लो। आपको बताने की जरूरत नहीं है बेगम साहिबा, ये तमाचा हमें इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम आपकी खिदमत के लायक नहीं, बल्कि ये तमाचा इसलिए पड़ा क्योंकि हमने अपना आशा चुनने में गलती की। अपने सालों की वफादारी का ये सिला मिला, ये वफादारी और ये खिदमत बस आज से खत्म। मख्तूम मिर्सा रुस्तम चुगताई, इनकी ये हालत किसने की अदका साहब? भीलों की बगावत को चलने की कोशिश कर रहे थे ये, उसी दौरान हमने पूछा इनका ये हश्र किसने की अदका साहब? कुंवर सुजामल, जोधा बेगम के चचाजाद भाई है। आमेर ने उसे गद्दार और भगोड़ा साबित कर रखा है, अब मुगलों के खिलाफ उसने भीलों को शामिल किया है। आइए फातिमा बेगम, हुक्का नोश फरमाइए। रुखसार बेगम, बुरा ना माने तो एक बात कहे हम, जब आपने कहा कि हमें हरम की नई मालकिन औहदेदार चाहिए तो हम सब तैयार थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि उसके लिए आप जोधा बेगम की वकालत करेंगी।
क्यों? इसमें क्या गलत किया हमने? जोधा बेगम समझदार हैं, लायक हैं और इंसानियत है उनमें। बेशक, मगर वो एक राजवंशी भी है, हम में से एक नहीं है। शहंशाह के साथ निकाह करने के बाद वो भी हम में से एक ही हो गई हैं। उनकी काबिलियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि वो राजवंशी होने के साथ साथ इंसाफ पसंद भी हैं। और हमें हरम का मालकिन ओहदेदार ऐसा ही चाहिए जिसे जज्बात और इंसानियत की कद्र हो, जो दिल का नेक हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राजवंशी हो या मुगल। हमें भी इस बात से इत्तफाक है। बेशक जोधा बेगम एक सही उम्मीदवार हैं। अल्लाह करे आपकी बात सही निकले, जोधा बेगम वही करे जो हरम के लिए सही साबित हो। प्रणाम जोधा बेगम, होशियार खान आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो से। होशियार हमसे क्यों मिलना चाहता है? जिस भांति रुकैया बेगम ने उसका अपमान किया है, वर्षों की सेवा के बदले में उसको दुत्कारा है, उसका यहाँ आना स्वाभाविक है। रहम हुजूर, रहम, हम पर रहम कीजिए, हम आपकी सरपरस्ती में आए हैं हुजूर, हम पर रहम कीजिए। होशियार, आप इस तरीके से हमारे पैरों पर मत गिरिए, हमें अच्छा नहीं लगता। कहो क्या बात है? हुजूर, आप भी जानती हैं हम यहाँ क्यों आए, हमारी वर्षों की वफादारी और खिदमत का क्या सिला मिला, खून पसीने से उनकी खिदमत की, जो हुक्म मिला माना हमने, और आज आज भी जब रुकैया बेगम का भला चाह रहे थे तो उसकी ये सजा मिली। हमें अपनी सरपरस्ती में ले लीजिए हुजूर, हम पर रहम कीजिए। होशियार रो मत, अपने आप को संभालो। रो नहीं तो क्या करूं हुजूर, हमें अपनी खिदमत से अलग कर दिया, हमारी हैसियत पर ताने कसे और हमारी शख्सियत पर तंज। आज तो खुदा से भी शिकायत है कि उसने हमें पैदा क्यों किया, हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं, इसीलिए आपके हुजूर में आए हैं। होशियार, हम मानते हैं कि तुम्हें ठेस पहुंची है, परंतु स्वामिनी के साथ तो अक्सर ऐसा हो जाता है। माना कि रुकैया बेगम ने आपको डांटा है, परंतु ऐसा तो क्रोध में अक्सर हो जाता है, और फिर सेवक के साथ तो अक्सर ऐसा होता ही आया है। बहुत बड़ी विडंबना है होशियार, ये गुलामी, और जब तक ये रहेगी मान अपमान तो चलता ही रहेगा ना। हमने भी रुकैया बेगम को उससे कम नहीं चाहा जितना आप मोती भाई को चाहती है, लेकिन उन्होंने मुझे गले उस तरह से कभी नहीं लगाया जिस तरह से आप मोती भाई को लगाती है। हमेशा हमें अपने पाँव की जूती की तरह समझा, जब चाह रगड़ दिया, जब चाह उतार कर फेंक दिया। ऐसा नहीं कहते हैं होशियार, और तुम्हें बताओ रुकैया बेगम के इस हरम में कितनी सखियां हैं, नहीं है ना? वो बहुत अंतर्मुखी है, इसलिए तुम्हारे साथ वो अपना सुख दुख बांटती है, और इसलिए आज क्रोध में आकर उन्होंने तुम्हें भी निकाल दिया। गुस्सा की माफ बेगम साहिबा, हमने आपको देखा है, दबे कुचले लोगों के लिए आपके दिल में बहुत जगह है, हम आपके रहम के साए में आए हैं जोधा बेगम, हमें मत ठुकराइए। आप राजवंशी हैं, और सुना है कि राजवंशियों की सरपरस्ती में जो कोई भी आता है उसकी हिफाजत की जाती है। अगर आज हमें एक राजवंशी ने ठुकरा दिया तो खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास जोधा बेगम, कोई रास्ता नहीं बचेगा। होशियार रुको, हम रुकैया बेगम के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, परंतु तुम्हें ऐसी स्थिति में छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हम तुम्हें अपनी सेवा में लेते हैं, तुम्हें मोती भाई सब कुछ समझा देंगी। अल्लाह आपकी शान बनाए रखे जोधा बेगम, आपने इस तकलीफ में इस दुखियारी का हाथ पकड़ा, अल्लाह की मेहर आपका दामन कभी नहीं छोड़ेगी जोधा बेगम। शुक्रिया मेहर वाले। हम आपकी मनोदशा समझ सकते हैं जोधा, परंतु हमें लगता है कि आपको होशियार को अपनी सेवा में नहीं लेना चाहिए था। और यदि ऐसी स्थिति में होशियार कुछ कर बैठता तो अम्बे माँ हमें कभी क्षमा नहीं करती। शहंशाह ने आपको आदेश भेजा है, वो आपसे शाही हथियार खाने में मिलना चाहते हैं। शहंशाह हमसे शस्त्रगार में क्यों मिलना चाहते हैं?
प्रणाम शहंशाह, आपने हमें बुलाया? तख लिया। शास्त्रागार में बुलाने का कारण? बहुत जल्द हमें इन हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है जोधा बेगम। जोधा बेगम क्या आप जानती हैं कि मेवात पर हमला कर कब्जा कर लिया गया है, हमारे बहुत से मगध बहादुरों का खून बहाया गया है, उनकी जान ली गई है, जिनमें से दो तो हमारे दूर के भाई थे। ये तो बहुत ही दुखद सूचना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनकी रूह को सुकून तो तभी मिलेगा जोधा बेगम, जब उनकी मौत का बदला लिया जाएगा। प्रतिशोध? जोधा बेगम, हमारे पास जो लाशें आई हैं, हमने उन्हें देखा, उनके उनके जख्मों को देखा। और ये क्या कर रहे हैं आप शहंशाह? रक्त बह रहा है। बेफिक्र रहिए, बस सरा सा खून है जो हमने जानबूझ कर बहाया है। ये उस खून के मुकाबले कुछ नहीं जो हमारे वफादारों का बहा है। आप धीरज रखिए, आप स्वयं एक योद्धा हैं और युद्ध में तो योद्धा वीर गति को प्राप्त होते ही है, ये सम्मान की बात होती है। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, शायद आप राजवंशी ऐसा समझते होंगे, लेकिन हम मुगल नहीं। जोधा बेगम, हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे कि आप राजवंशी जंग कैसे लड़ते हैं? राजवंशी युद्ध का हर नियम पालन करते हैं, वो सम्मान से लड़ते हैं और अपने शत्रुओं का भी सम्मान करते हैं। और क्या कभी कोई राजवंशी अपने दुश्मन को घेर कर धोखे से उसकी पीठ पर वार करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो वो कायर होता है, और कोई राजवंशी ऐसा करता है तो वो राजवंशी कहलाने योग्य नहीं होता, उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। वो हम जरूर करेंगे। जोधा बेगम, क्या आप जानती हैं जो लाशें हमारे पास आई उनकी पीठ पर वार हुआ है, मतलब उन्हें घेर कर धोखे से मारा गया है, तो आप हमें बताइए उन गुनहगारों को हम क्या सजा दें, उनके साथ कैसा सलूक करें? परंतु ये सब कुछ किया किसने है? क्या आप मानेंगे अगर हम कहेंगे कि एक राजवंशी ने किया है? हम मान ही नहीं सकते, और यदि ये सिद्ध होता है तो आपको उन्हें दंड देने का पूरा अधिकार है। और कैसा लगेगा आपको ये सच जानकर कि ये कायरता आप ही के भाई आमिर के भोड़े सूजा मल ने की है? यदि ये सत्य है तो वो आपके अपराधी हैं, और उन्हें दंड देना आपका कर्तव्य बनता है शहंशाह। सूझमन ने पहले आमिर की गद्दी हासिल करने के लालच में आमिर से गद्दारी की बगावत में शरफुद्दीन का साथ लिया, और अब जमीन पाने के लालच में उसने मुगलों की पीठ में छुरा भोंका है। खैर, हम बस इस मामले में एक बार आपसे बात करना चाहते थे, और आपसे बात कर आपका साथ पाकर हमें बहुत सुकून मिला है। आपने हमें कश्मकश में से निकाल लिया है जोधा बेगम। अब हमें लगता है कि सूझमल को सजा देने का हमारा हुक्म गलत नहीं था। शुक्रिया, अब जा सकती हैं।